किसी भी एक चीज है जो मेरी मिलकियत है, मैं किसी और को उसका एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव बनाकर बोलता हूँ कि ये जो मेरा घर है आप 10 लाख में बेच के दें, आप चाहे वो कितने का भी बेचें, आप वो आपकी। इस दूसरे सवाल के हवाले से कि अगर हम किसी को यहाँ की जुबान में ब्रोकर कहते हैं, है एजेंट को क्या कहेंगे? ब्रोकर है, ब्रोकर तो कहेंगे, कुछ और नाम है? कम से कम वो नाम जिक्र कर दिया करें ताकि याद कर लिया करें। तो जिस एजेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर उनके हवाले अगर हम अपना सामान कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर फ्लैट आपने उनके हवाले कर दिया और ये कहा आपने कि 10 लाख रुपए अगर इस फ्लैट के आप हमें किसी से दिलवा दें या इससे ज़्यादा अगर मिलता है तो उसमें से 10 लाख रुपए आप हमें दे दें और बाकी आपके लिए है, अगर इस तरह की कोई बातचीत वो करता है वो शख्स, उसका मालिक, फ्लैट का मालिक अगर करता है तो ऐसा कहना या करना सही और दुरुस्त नहीं है। ऐसा कहना या करना सही और दुरुस्त नहीं है, क्यों? किस हैसियत से उसको अपने इस काम के अंदर शरीक करना चाहता है, हैसियत क्या बनेगी उसकी, वो शख्स किस हैसियत से दाखिल होगा? या तो ख़रीदार की हैसियत से दाखिल हो या मुशारिक की हैसियत से, जिसको पार्टनर आप कह लें, पार्टनर की हैसियत से उसमें दाखिल हो उस मामले के अंदर, हालांकि इन दोनों में से कोई मामला नहीं है, ना तो वो ख़रीदार है और ना ही वो उसका पार्टनर है, फिर किस हैसियत से उसको उसमें दाखिल किया गया है? बहैसियत, बहैसियत वकील के अगर उसको उसमें दाखिल किया जा रहा है तो वकील को क्या चीज़ मिलनी चाहिए, किस लिए वो वकालत करता है? मजदूरी कहें, मालिक तो नहीं है ना वो, तो मालिकाना हक उसे मिलना चाहिए, मजदूर कहें। अब वो वकील हो मजदूर, ब्रोकर हो मजदूर या और कुछ हो, क्योंकि दो यानी अभी दो इस्तिलाह है अरबी के, एक बय है एक इजारा है, यहाँ पर वो किस हैसियत से कि आया वो शख्स मजदूरी की हैसियत से उसमें दाखिल हो रहा है या बाय और मुश्तरी की हैसियत से उसमें दाखिल हो रहा है, तो बाय और मुश्तरी का मामला नहीं हो सकता, यानी ख़रीदने और बेचने की हैसियत से नहीं हो सकता। तो ले दे करके अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है कि वो सिर्फ मजदूरी की हैसियत से उसमें आ सकता है कि वो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा कि उसे कुछ चीज़ मिलनी चाहिए, अगर वो मेहनत करे तो मजदूरी के तौर पर कुछ मिलनी चाहिए। तो मजदूरी के लिए एक बात याद रहे कि उजरत मालूम रहे, किसी भी काम की उजरत, और काम भी मालूम रहे, काम मजहूल ना रहे। जब तक हमारा ये फ्लैट नहीं बिकता उस वक्त तक आपकी मजदूरी नहीं मिलती, कब बिकेगा कब मजदूरी मिलेगी मालूम नहीं। यानी एक मजहूल पर उसको मुअल्लक नहीं कर सकते, लटका नहीं सकते, हर चीज़ क्लियर और वाज़े होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आज के दिन आप दिन पर ले लें, ये मजदूरी आप करते हैं, ये मेहनत करते हैं, आप ये काम करते हैं तो आपको इतनी मजदूरी हम देंगे, बाकी रहा ग्राहक का तैयार करना, ये इंसान के इख्तियार के बाहर की चीज़ है। क्या ऐसा काम दिया जा सकता है जो उसके इख्तियार के बाहर हो? दिया जा सकता है क्या? ये हमारे अंदर सलाहियत है कि हम सामने वाले को किसी काम के लिए तैयार कर लें? इंसान के इख्तियार में है नहीं, कोशिश कर सकता है, उसे समझा सकता है, अपनी बातें उसके सामने पेश कर सकता है, दौड़ धूप कर सकता है, वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर सकता है, इसके फ़ोटोज़ दिखा सकता है और उसकी ज़्यारत करवा सकता है, मुख्तलिफ तरह का चक्कर लगा सकता है, ये सब कर सकता है,
पर उसको तैयार कर ले जाए मुमकिन नहीं है, इंसान के इख्तियार की ये चीज़ नहीं है। ऐसे काम का ठेका किसी को नहीं दिया जा सकता जो मजहूल काम हो। तो काम भी वाज़े होना चाहिए, काम क्लियर होना चाहिए जो इंसान के इख्तियार का हो। तो इंसान के इख्तियार का क्या है? इंसान के इख्तियार का जो अमल है वो ये है, मिसाल के तौर पर कि आप एक दिन हमारे लिए ख़ास कर दें और उस दिन की हम आपको, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही मिसाल आप फिट करें, मैं क्लियर काम की मिसाल दे रहा हूँ कि आप एक दिन की मजदूरी हमसे ले लें और उस दिन की जो भी मजदूरी है वो तय कर लिया जाए दोनों के दरमियान। उस दिन आपका काम ये होगा कि आप इससे मुतालिक लोगों को ख़बर देंगे, लोगों को बताएंगे, लाने की कोशिश करेंगे, या जितने लोगों तक आप हमारे इस मामले को लेकर के जाएंगे, हर हर शख्स के बदले में हम आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हम रखते रहे हैं, हम आपको इतनी मजदूरी देंगे, अगर वो तैयार हो गया या नहीं तैयार हुआ, क्लियर रहे, काम भी क्लियर रहे, मजदूरी भी क्लियर रहे। इस तौर पर इंसान अगर करता है तो मजदूरी का ये अमल सही है, लेकिन काम भी क्लियर नहीं है और मजदूरी भी क्लियर नहीं है, दोनों जहालत में है, लड़ाई और झगड़े के अलावा बाकी और क्या चीज़ है जो दोनों के दरमियान आएगी? इसलिए जहालत के ऊपर इस तरह का कोई भी मामला लेकर के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकर हैं या वकील जिसका नाम आपने दिया, ऐसे हैं कि 10 लाख के ऊपर ग्राहक जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो बेच ही नहीं रहा है और मालिक को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि कस्टमर पा ही नहीं रहा है उसके ऊपर का, उसने इतना आला बता दिया है उसका रेट कि मुश्किल ही किसी को पा करके वो बेचेगा। तो अब वो नहीं चाहता कि 10 पर बेचेंगे तो इतनी मेहनत हमने किया, क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला, हमने एक महीने तक झक मारा कि 50,000 रुपये हमको इसमें यूँ ही आ जाएंगे, कुछ नहीं आया, बहुत कोशिश किए पर 10 के ऊपर कोई नहीं जा रहा, उसी के अंदर ही में सब लोग घूम रहे। तो इसलिए ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ऐसा कोई मामला नहीं आना चाहिए। वो कह दे कि भाई आपके पास अगर 10 के ग्राहक आते हैं आप बेच दें, आपकी जो मजदूरी आपको मिल जाएगी और जो ग्राहक है उसका रेट लगाएगा वो मालिक का होगा। मामलात को समझना और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करना, अगर इंसान जहर बना ले तो इंशाल्लाह ज़रूर वो ऐसा कर सकेगा। मुतय्यन ना किया जाए शेख, तो जैसे कि जितनी अमाउंट रकम जितनी आती है उतने में बेचा जाए, लेकिन उसका अंदाजा तो नहीं है कि कब बिकेगी, फिर उस पर हम आपको मजदूरी देंगे 2%, 3% जो भी मामला है, तो इस तरह तय करना दुरुस्त होगा? क्या उसको टाइम लिमिट देना पड़ेगा कि 1 महीने में या 15 दिन में ही आपको आप बेचते हो तो आपकी 15 दिन की मजदूरी, या नहीं बेचते हो तो हम देंगे, या इस शर्त पर सिर्फ काफी उसको मतलब आजाद छोड़ा जाए कि जब भी ये बिकेगा जितनी रकम में बिकेगा पर हमारी रजामंदी उस पर हो जाएगी तो हम इस टोटल अमाउंट में आपको 1% दे देंगे, और फिर वो कोशिश करता रहे जब भी कस्टमर मिले उससे मुझे रजामंदी जब होगी तब उनका हिस्सा उनको दिया जाए, अगर नहीं ग्राहक मिलता है तो वो जो मेहनत किया है वो फजूल है। इस तरह का क्या ऐसा मुमकिन नहीं 1 महीने तक करे और ग्राहक तैयार ना हो? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, यानी 1 महीने तक करे एक पैसा भी उसको ना मिले, किसकी मजदूरी किया उसने, हवा की या इंसान की? कीमत का जो एक बात ऑफर देगा वो हमें चलना भी चाहिए ना, इस तरह का ग्राहक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मजदूरी भी मुतय्यन होनी चाहिए, काम भी मुतय्यन होना चाहिए, काम भी मुतय्यन होना चाहिए। हमें नहीं मालूम ऐसा काम दिया जा रहा है जो हमारे बस में नहीं है। अब अगर एक शख्स से कहा जाए 50 किलो की बोरी आपको उठानी है, लेकिन पहले नहीं बताया गया, जब वो सामने आया कहा यही काम है, अब वो 20 किलो भी वो मुश्किल उठाता है उसका, नहीं यही करना है तभी आपको ये मिलेगा, तो उसके बस में वो काम होना चाहिए। काम की नियत कहा आपने ये दिन हमारे लिए ख़ास किया हुआ, आप जो कहेंगे वो आपको करना होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि काम की नौइयत भी वाज़े होनी चाहिए। और आपकी इस गुफ्तगु में एक और रास्ता भी खुला है जिसमें एक और गरर है,
एक और गरर है, एक और जहालत है। क्या है वो? 2% मजदूरी मुतय्यन नहीं है, 1%, 2%, 3%, 4% मजदूरी मुतय्यन नहीं, क्योंकि कितने भी बिकेगा उसके एतवार से परसेंट मुतय्यन होगा। 10 लाख में बिकेगा उसका परसेंट अलग है, 4 लाख में बिकेगा उसका परसेंट अलग होगा, 2% मुतय्यन नहीं हुआ उसका, फिर वो पार्टनर बन जाएगा ना, पार्टनर हो गया, फिर वो पार्टनर हो गया, वो मजदूर नहीं रहा। यह मजदूरी की बात हो रही है। अगर पार्टनर के तौर पर अगर दो लोग कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, वो आपस में वो रखें, निस्बत रखें कि 2%, 4%, 10%, 20% वो पार्टनर का है, जिसको मुशारिक कहते हैं, शरीक है उस काम के अंदर, उस तिजारत के अंदर, और वो जो सिलसिला चल रहा है। पर कारोबार में जो शरीक नहीं है, सिर्फ ब्रोकर है, वो रहनुमाई कर रहा है, गाइडिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दौड़ कर रहा है, धूप कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है, और वो परसेंट ले रहा है, परसेंट मजहूल है, मुतय्यन नहीं है, मालूम नहीं है, जायज़ नहीं है। ऐसे काम नहीं करना कि जिसका जिसके बारे में कुछ भी लता पता ना हो। तो सामान की भी तायिन होनी चाहिए, रेट की भी तायिन होनी चाहिए, ख़रीदने वाले के लिए भी, बेचने वाले के लिए भी, ब्रोकर के लिए भी, सारे लोगों के लिए हर चीज़ क्लियर और वाज़े होनी चाहिए। आपने परसेंट का नाम लेकर के एक और चीज़ जो समाज के अंदर बहुत धड़ल्ले के साथ, और वो भी ज़मीन के कारोबार करने वालों के लिए और ब्रोकर वगैरह जो फ्लैट वगैरह क्यों करते हैं, बहुत सारे लोगों के दरमियान ये सब चीज़ें चल रही हैं, अगर कोई भी मजदूरी मुतय्यन नहीं है वो जायज़ और दुरुस्त नहीं है। क्लियर और वाज़े होनी चाहिए, इस्लाम साफ़ सुथरा चेहरा देखना और दिखाना चाहता है।